जानना चाहूँगा, OTT प्लेटफॉर्म एक नया प्लेटफॉर्म है, आर्टिस्ट को मौका तो काफ़ी मिलता है उस पर, लेकिन जिस तरीके से पेश किया जाता है उनको, जो इंडिसेंट वे में या कह सकते हैं ग्लैमर क्वेश्चन यूज़ करने के लिए पेश किया जाता है, आपका क्या मानना है कि जब कोई फीमेल आर्टिस्ट को कास्ट किया जाए वेब सीरीज़ में तो किस तरह से पेश किया जाए उनको? देखिए, OTT जो है आज एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है जिसे आज सभी देखते हैं, फैमिलीज़ भी, बच्चे भी, सभी देखते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि कुछ उसमें कुछ अलग कंटेंट भी आते हैं जो बच्चों को आजकल नहीं देखना चाहिए। तो मैं यही चाहूँगी कि उसमें कोई अच्छे कंटेंट आए जो फैमिलीज़ देख सकें, जिसके अंदर कुछ मैसेज हो, जो नॉलेजेबल हो, मैं यही चाहूँगी। इनफैक्ट आज अगर आप किसी एक्टर को काम भी दे रहे हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, तो आप उनका एक्टिंग पे ज़्यादा फोकस कीजिए, उनका टैलेंट ज़्यादा शो कीजिए, इंस्टेड ऑफ बॉडी एंड एवरीथिंग वो सब हटा के आप अगर उनकी जो उनका टैलेंट है आप उसको अगर ज़्यादा दिखाएंगे तो आई थिंक हमारी जनरेशन कुछ नया और अच्छा सीख सकती है। ये भी कहना चाहूँगा कि हमेशा नेपोटिज़म की बात होती है कि आपके फैमिली बैकग्राउंड में है कोई फिल्म इंडस्ट्री में, आपका एस्टेब्लिश बैकग्राउंड है, तभी आप यहाँ एक मार्क बना सकती हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने बहुत बड़ा साबित किया। कंगना की बात कर लें, बहुत ही ऑर्डिनरी फैमिली बैकग्राउंड से है, एजुकेशन बैकग्राउंड भी बहुत ऑर्डिनरी है उनका, और इतना बड़ा नाम किया उन्होंने और आज इंस्पिरेशन है मिलियंस ऑफ वुमेन जो करियर बनाना चाहती हैं इंडस्ट्री में। क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? जी, मैं तो नहीं मानती ये नेपोटिज़म के बारे में, लेकिन हाँ मैंने ये सब सुना है, बहुत कुछ न्यूज़ में कंट्रोवर्सीज सब सुनी है कि नेपोटिज़म बहुत है, पर ऐसा कुछ नहीं होता है क्योंकि आप किसी के थ्रू कोई एक काम कर सकते हैं, लेकिन बाकी आप जो भी काम करेंगे आप अपने टैलेंट पे ही कर सकते हैं। अगर आप उतने टैलेंटेड नहीं हैं तो फिर आप सेकंड थर्ड जर्नी आप नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। और जैसे कि आप बोल रहे हैं कि कंगना जी को ही ले लीजिए, तो वो तो किसी उससे नहीं आई हैं, वो उन्होंने अपनी मेहनत की है, उन्होंने जो स्ट्रगल किया है, बहुत कुछ करके वो आज इस मुकाम पे पहुंची हैं कि वो कंगना जी आज इस मुकाम पे पहुंची हैं। जो भी उन्होंने अचीव किया है वो सब उनकी मेहनत है। आई डोंट थिंक कि नेपोटिज़म कुछ काम आता होगा किसी भी चीज़ के लिए। इस चीज़ को हाईलाइट ना किया जाए तो आई थिंक ज़्यादा अच्छा है। आप भी वर्क कर रही हैं ग्लैमर इंडस्ट्री में, म्यूज़िक वीडियो में काम किया है, काफ़ी लोगों से मिली होंगी। कहा जाता है कि बॉलीवुड या फिल्म इंडस्ट्री में क्या है कास्टिंग कॉच का कल्चर है, उसके बारे में बताइए कि कैसे लोग मिले आपको, किस तरह से देखती हैं यहाँ, कितना प्रोफेशनलिज्म है यहाँ पे? कास्टिंग काउच तो अभी तक ऐसा कुछ भी मैंने तो कुछ फेस नहीं किया है। और हाँ, हो सकता है कुछ गर्ल्स जो न्यू आती हैं उनके साथ कुछ हुआ हो, इनफैक्ट वो मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो। तो ये आपको थोड़ा खुद भी सतर्क रहना है। वो तो कोई भी फील्ड है, आपको उसमें सतर्क रहना है कि नॉट ओनली फिल्म इंडस्ट्री, आप कोई भी फील्ड में काम कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा तो सतर्क रह के ही काम करना चाहिए कि आप क्या काम कर रहे हैं, आपको खुद चूज़ करना चाहिए। ये भी कहना चाहूँगा कि हर आर्टिस्ट का सपना होता है कि बड़े आर्टिस्ट के साथ काम करें, बड़े डायरेक्टर के साथ काम करें, बड़े प्रोजेक्ट्स में काम करें। आपका माइंडसेट कैसा है, आपका जो विजन है अपने करियर को लेकर, कौन सा ऐसे डायरेक्टर जिसके साथ काम करना चाहती है, कोई एक्टर जिसके साथ काम करना चाहती हो? ऑफकोर्स मैं तो चाहती हूँ मैं सबके साथ काम करूँ, जितने भी बड़े डायरेक्टर्स हैं, जितने भी बड़े एक्टर्स हैं, मुझे कुछ ना कुछ उनसे और सीखने के लिए मिलेगा, तो मैं सबके साथ काम करना चाहती हूँ। और एक्टिंग तो पैशन है ही आपका, ग्लैमर इंडस्ट्री में कुछ ऐसा कुछ ऐसी बात जो हम नहीं जानते हैं, कुछ सोशल वर्क करती हैं या कुछ ऐसा करती हैं जो हमें नहीं पता आपके बारे में? डू डू समथिंग और पैशन है कोई चीज़ और के लिए, या स्पोर्ट्स हो जाए या सोशल वर्क या पॉलिटिक्स या कोई बिजनेस, क्या प्लानिंग और आगे फ्यूचर को लेकर? मैं एक्चुअली बच्चों की एजुकेशन के लिए करना चाहूँगी, अगर लाइफ में कुछ करना चाहूँगी तो। क्योंकि अगर बच्चा एजुकेट है और सिंसियर है, वो अपना अच्छा बुरा जानता है, तो वो लाइफ में कुछ भी कर सकता है। तो एजुकेशन मस्ट। तो आई थिंक कि अगर मुझे लाइफ में कभी कुछ ऐसा चांस मिलेगा तो मैं चाहूँगी कि इंडिया का हर बच्चा एजुकेट रहे। ये भी कहना चाहूँगा हिंदुस्तानी भाव के साथ आपने किया है काम, क्या कहना चाहेंगे? बड़ा यूनिक पर्सनैलिटी है उनका, बहुत ही आउटस्पोकन है, बहुत खुल के बोलते हैं कोई बात को, सच्चाई का साथ देते हैं। कैसा अनुभव था उनसे मिलकर और क्या कहना चाहिए उनके बारे में? बिल्कुल, वो थोड़े बिंदास टाइप के आदमी हैं, बहुत ही करेजियस हैं, बट वो जो भी सही होता है वो उसके साथ होते हैं। उनकी ये पर्सनैलिटी है, वो वीडियोज़ में कुछ भी बोलें कुछ, बट वो अंदर से बहुत ही अच्छे इंसान हैं। और वो हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं। जो भी सच्चा होता है वो फिर चाहे कोई गलत हो चाहे सही हो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उनके साथ ही खड़े रहते हैं। तो आपको कुछ बताया यहाँ के माहौल के बारे में, या कैसे वो करेज डेवलप करते हैं, कैसे वो करेज आता है, जो कॉन्फिडेंस उनमें है, कुछ सीखने को मिला उनसे जब आप मिले तो? हाँ, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। एक तो ये सीखा है कि कभी गलत का साथ मत दो, और अगर आप सही हैं तो आप कुछ भी फेस कर सकते हैं लाइफ में। अगर आपके अंदर सच्चाई है और अगर आप सही इंसान हैं तो आपको फ़ाइट करनी चाहिए। थोड़ा सा स्ट्रगल होगा, थोड़ा सा बहुत कुछ कंट्रोवर्सी होगी, लेकिन लास्ट में जो रिज़ल्ट होगा वो आपके हक़ में ही होगा। लास्टली ये जानना चाहूँगा कि आगे क्या आपका विज़न है अपने करियर को लेकर, क्या करना चाहती हैं, मतलब किस तरह का प्रोजेक्ट करना चाहती हैं उसके बारे में बताइए। एक पर्टिकुलर रोल हो, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट हो जिसके बारे में आप बताना चाहेंगे। एक्चुअली एक फिल्म है क्वीन करके, जो कंगना जी की है, वो उससे मैं बहुत इंस्पायर हूँ। मैं चाहूँगी कि मैं कोई ऐसा कैरेक्टर करूँ, क्योंकि वो मूवी सिर्फ एक टैलेंट पे हिट हुई है। वो एक जो सिंप्लिसिटी से जो वो टैलेंट दिखाया गया है, जो उस फिल्म का कंटेंट था वो बहुत ही अलग था। तो उसमें ना कुछ इतना कोई ग्लैमर, ना कुछ ऐसा था, लेकिन फिर भी वो सुपर हिट थी जो सिर्फ अपने टैलेंट पे हिट हुई है। तो मैं भी ऐसा चाहूँगी कि मैं भी कोई ऐसी मूवी करूँ जो मैं अपने टैलेंट पे हिट करा सकूँ।